नमस्कार ऑल ऑफ यू। आप जो है रसायन विज्ञान का विद्युत रसायन चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है। आज जो है आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में बताया जाएगा। इससे पहले आप इलेक्ट्रोड विभव का मापन सीखे थे, जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष करके इसको मापा गया था, ठीक है। उसके बाद जो है इसमें अलग अलग इलेक्ट्रोड विभव के मान निकल रहे थे, उस आधार पर जो है एक श्रेणी तैयार की गई है जिसको विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। इसके बारे में आज आपको पढ़ाया जाएगा। तो देखें विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होता है। विभिन्न तत्वों को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के घटते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि अलग अलग तत्वों को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के घटते हुए क्रम में रखा गया है, ठीक है। घटते सबसे अधिक वाला ऊपर होगा और सबसे कम वाला नीचे होगा, घटते हुए क्रम में, ठीक है। विभिन्न तत्वों को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के घटते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं, ठीक है। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव को उनके घटते हुए क्रम में रखा गया है और इस श्रेणी को क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं, ठीक है। यह देखें ध्यान से, यह आपकी विद्युत रासायनिक श्रेणी है जिसमें जो है इसमें मानक इलेक्ट्रोड विभव को घटते हुए क्रम में रखा गया है। देखें 298 केल्विन पर मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो आयन जलीय स्पीसीज के रूप में और जल द्रव के रूप में उपस्थित है। गैस और ठोस क्रमशः जी और एस से दर्शाए गए हैं, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग जो है सबका जो है वैल्यू जो है नापा गया है वोल्टमीटर से और इसको लिखा गया है। ध्यान से देखें, सबसे यह देखें F2 फ्लोरीन गैस है, ठीक है, फ्लोरीन। यह जो है फ्लोराइड में चेंज हो रहा है। इसका जो है मानक इलेक्ट्रोड विभव वोल्ट में दिया गया है 2.87। तो यह घटते हुए क्रम में इसको जो है रखा गया है, ठीक है। यहाँ से या F2 से लेकर कहाँ तक है, लिथियम तक है। लिथियम का जो है सबसे कम -3.05 है, ठीक है। मानक इलेक्ट्रोड में लिथियम कितना दिया है ग्राफ में आप देख सकते हैं, सबसे नीचे जो है लिथियम है जिसका मान जो है -3.05 है। सबसे वह F2 था जिसका मान था मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान 2.87, ठीक है। इस तरह से जो सभी तत्व यहाँ पे प्रमुख जो है तत्व हैं उनको जो है मानक इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में इसमें रखा गया है। इसी श्रेणी को क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। इस श्रेणी में देखें हाइड्रोजन को मानक लिया गया है, हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन को लिया गया जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव कितना है, 0 लिया गया है, ठीक है। हाइड्रोजन का मानक इलेक्ट्रोड विभव कितना लिया गया, 0 लिया गया। बाकी उसके ऊपर वाले सब प्लस वाले हैं, ठीक है, और नीचे वाले सब माइनस वाले हैं। तो यह जो है आपका एक विद्युत रासायनिक श्रेणी है, ठीक है, सबकी वैल्यू रखी गई है। अब आप देखो ध्यान से कैसे इसमें परिवर्तन होता है। अगर हम ऊपर से नीचे आते हैं, F2 से लेकर LI तक आते हैं, तो इसकी जो है अपचायक क्षमता क्या होती है, बढ़ती है। सबसे कम अपचायक क्षमता किसके पास है, F2 के पास, और सबसे अधिक अपचायक क्षमता किसके पास है, लिथियम के पास है, ठीक है। सबसे अधिक अपचायक कौन है, लिथियम है, ठीक है, क्योंकि लिथियम जो है बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन निकालता है। लिथियम जो है जली विलयन में बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन अपना त्यागता है, तो इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो लिथियम का क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। लिथियम का बहुत तेजी से ऑक्सीकरण होगा, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो जो ऑक्सीकरण होता है जिसका, वो क्या कहलाता है, अपचायक कहलाता है। जिसका ऑक्सीकरण होता है वो क्या कहलाता है, अपचायक कहलाता है। तो इस तरह लिथियम क्या है, वो क्या है, सबसे अधिक अपचायक है। और सबसे कम अपचायक कौन है, F2 है, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन त्यागेगा नहीं, यह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। जब यह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इसका क्या होगा, अपचयन होगा, और जब अपचयन होगा तो यह क्या कहलाएगा, ऑक्सीकारक कहलाएगा। तो सबसे बड़ा ऑक्सीकारक जो है F2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बढ़ती हुई ऑक्सीकारक क्षमता, बढ़ती हुई ऑक्सीकारक क्षमता। तो सबसे अधिक ऑक्सीकारक क्षमता किसकी होगी, F2 की होगी। सबसे अधिक ऑक्सीकारक क्षमता किसकी होगी, F2 की होगी। सबसे कम ऑक्सीकारक क्षमता किसकी होगी, लिथियम की होगी, ठीक है। तो लिथियम की ऑक्सीकारक क्षमता सबसे कम है, ठीक है, लेकिन अपचायक क्षमता लिथियम की सबसे अधिक है, ठीक है। तो जो जो सबसे बड़ा अपचायक है वो सबसे बड़ा और सबसे कम ऑक्सीकारक होगा, ठीक है। और जो सबसे बड़ा ऑक्सीकारक होगा वो सबसे कम अपचायक होगा। तो यह जो है आपकी सारणी तैयार है जिसमें हाइड्रोजन को बीच में रखा गया, जिसका जो है लगभग बीच में है, जिसका जीरो
ठीक है, जिसका 0 वोल्ट लिया गया है। ठीक है, अब आइए इस सारणी के बारे में और थोड़ी जानकारी लेते हैं। तो आपने देखा कि विभिन्न तत्वों को उनके मानक इलेक्ट्रॉन विभव के घटते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसको क्या कहते हैं, विद्युतरासायनिक श्रेणी कहते हैं। विद्युतरासायनिक श्रेणी के क्या लक्षण है, इस श्रेणी में धातु आयनों को आक्सीकारक क्षमता ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है। ठीक है, आपने दिखाया था F2 से लेकर Li तक आक्सीकारक क्षमता क्या होगी, ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है। तो F2 की क्या होगी, सबसे कम होगी और लिथियम की सबसे अधिक होगी। ठीक है, इस श्रेणी में धातु आयनों की आक्सीकारक क्षमता ऊपर से नीचे जाने पर वृद्धि होती है। इस श्रेणी में धातु आयनों की अपचायक क्षमता, जो अपचायक क्षमता है वह ऊपर से नीचे जाने पर घटती है। जो अपचायक क्षमता होगी क्या होगी, वह ऊपर से नीचे जाने पर घटती है। तो सबसे घटती है कि सबसे बड़ा अपचायक कौन होगा, F2 होगा, और सबसे छोटा कौन होगा, लिथियम होगा। ये आपको हमने समझाया। इस श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर वाले तत्व तो अम्लों के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन उत्पन्न कर सकते हैं। तो श्रेणी में हाइड्रोजन से जो ऊपर वाले तत्व तो हैं वह जब अम्ल से क्रिया करेंगे तो हाइड्रोजन को निकाल देंगे, अलग कर देंगे। लेकिन जो हाइड्रोजन से नीचे वाले हैं वे जब अम्ल से क्रिया करेंगे तो हाइड्रोजन को नहीं निकाल पाते हैं। इस श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर वाले तत्व तो अम्लों के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन उत्पन्न कर सकते हैं, परंतु हाइड्रोजन से नीचे वाले तत्व तो हाइड्रोजन उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ऋणात्मक मानक इलेक्ट्रॉन विभव का अर्थ, अगर किसी का ऋणात्मक मानक इलेक्ट्रॉन विभव है, जैसा कि आपने देखा हाइड्रोजन के नीचे वाले सबका क्या था, माइनस में था। तो ऋणात्मक मानक इलेक्ट्रॉन विभव का अर्थ है कि रिडॉक्स युग्म, ठीक है, हाइड्रोजन आयन अभिक हाइड्रोजन युग्म की तुलना में प्रबल अपचायक है। जो रिडॉक्स युग्म होगा उसकी तुलना में वह क्या होगा, प्रबल अपचायक है। रिडॉक्स युग्म किसका है, हाइड्रोजन का है, H+H2। ठीक है, तो इसका जो तुलना में वो क्या है, प्रबल अपचायक, इसीलिए उसका मानक इलेक्ट्रॉन विभव क्या है, ऋणात्मक है। लेकिन अगर मानक इलेक्ट्रॉन विभव धनात्मक हो तो इसका अर्थ क्या है, अगर मानक इलेक्ट्रॉन विभव धनात्मक है तो इसका अर्थ है कि रिडॉक्स युग्म की तुलना में वह दुर्बल अपचायक है। रिडॉक्स युग्म की तुलना में वह दुर्बल अपचायक है। ठीक है, अब देखते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी के उपयोग क्या है। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी के उपयोग देखें, पहला उपयोग, यह रिडॉक्स अभिक्रियाओं के प्रगति में निर्धारण करने में सहायकता होती है। यह जो है वो रिडॉक्स अभिक्रिया के प्रगति में अर्थात निर्धारण करने में सहायक होती है। कैसे, एक दिया गया आयन अपने से नीचे वाली सभी धातुओं को, ठीक है, उपचयित करेगा। तो एक आयन जो है वो अपने से नीचे वाले धातुओं को क्या करेगा, उपचयित कर देगा। ठीक है, तथा एक दी गई धातु श्रेणी में अपने से ऊपर वाली धातु आयनों को अपचयित करेगा। तो अगर कोई धातु है दी गई है और सारणी में क्या करेगी, श्रेणी में अपने से ऊपर वाले धातुओं को आयनों को क्या करेगी, अपचयित करेगी। ठीक है, तो रिडॉक्स अभिक्रिया के निर्धारण करने में यह सहायक होता है श्रेणी। एक दिया गया आयन अपने से नीचे वाली सभी धातुओं को क्या करता है, उपचयित करता है। ठीक है, एक दिया गया आयन अपने से नीचे वाली सभी धातुओं को क्या करेगा, उपचयित करेगा। तथा एक दी गई धातु श्रेणी में अपने से ऊपर वाली धातु आयनों को क्या करेगी, अपचयित करेगी। देखते हैं कैसे, जिंक तथा लोहे के मध्य उपापचय अभिक्रिया का निर्धारण। ठीक है, जिंक और लोहे के मध्य कौन सी अभिक्रिया, रिडॉक्स अभिक्रिया, रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, तो निर्धारण देखते हैं जिंक का, जिंक आयन अभिक जिंक का मानक इलेक्ट्रॉन विभव है 0.763, निकास मिला है श्रेणी से। और फिर देखें आयरन का, ठीक है, फेरस आयन अभिक फेरस का मानक इलेक्ट्रॉन विभव का मान -0.44 वोल्ट। तो जिंक अब्लिक जिंक आयन अब्लिक जिंक का मानक इलेक्ट्रॉन विभव क्या है, धनात्मक है। और आयरन का मानक इलेक्ट्रॉन विभव क्या है, ऋणात्मक है। ठीक है, तो जिंक आयन का मानक इलेक्ट्रॉन विभव का मान फेरस आयन के मान की तुलना में क्या है, कम है। ठीक है, जिंक आयन का मानक इलेक्ट्रॉन विभव का मान फेरस आयन के मान की तुलना में कम है, अर्थात जिंक का अपचयन शक्ति आयरन की तुलना में अधिक है। जिंक की अपचयन शक्ति आयरन की तुलना में अधिक है, या फिर जिंक का ऑक्सीकरण आयरन की अपेक्षा अधिक आसानी से होता है। ठीक है, जिंक आयरन आयनों के अपचयन करेगा और उसका स्वयं ऑक्सीकरण हो जाएगा। ठीक है, तो जिंक क्या करेगा, आयरन आयनों का अपचयन करेगा और उसका स्वयं ऑक्सीकरण होगा। देखें जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है, जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है और आयरन का अपचयन हो रहा है, तो यह घटनाएं होंगी। अब आप देखो दूसरा युज, एक गैल्वेनी सेल का विद्युत वाहक बल की गणना करने में सहायक होता है। ठीक है, यह गैल्वेनी सेल विद्युत रासायनिक श्रेणी जो है वह गैल्वेनी सेल के विद्युत वाहक बल की गणना करने में क्या होता है, सहायक होता है। देखें
सेल का मानक इलेक्ट्रॉन व्यू हमेशा धनात्मक होना चाहिए। सेल का जो मानक इलेक्ट्रॉन व्यू है वो हमेशा क्या होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। यदि सेल का मानक इलेक्ट्रॉन व्यू ऋणात्मक आता है तो इसका अर्थ है कि सेल कार्य नहीं कर सकता है। सेल का मानक इलेक्ट्रॉन व्यू हमेशा क्या होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। अगर मानक इलेक्ट्रॉन व्यू ऋणात्मक है तो इसका मतलब वह सेल क्या कर रहा है, कार्य नहीं कर सकता है, और इलेक्ट्रोड के परस्पर बदल देना चाहिए। उस समय क्या करेंगे, उस समय इलेक्ट्रोड को क्या करेंगे, एक्सचेंज कर देंगे, बदल देंगे। ठीक है, आगे देखें। ठीक है, मानक इलेक्ट्रोड भी हो सेल का, देखें ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड। देखें यहाँ पर एक सेल दिया है, सेल समीकरण मैग्नीशियम अवलिक मैग्नीशियम आयन एक मोलर सोल्यूशन है, साल्ट ब्रिज सिल्वर आयन एक मोलर अवलिक सिल्वर आयन। तो इसके लिए सारणी से जो है वैल्यू देखा गया है, मानक इलेक्ट्रोड व्यू का मान मैग्नीशियम आयन अवलिक मैग्नीशियम का सारणी से वैल्यू आया है -2.365 वोल्ट। ठीक है, उसी तरह सारणी से जो है सिल्वर आयन अवलिक सिल्वर का भी देखा गया है, तो यह जो है मानक इलेक्ट्रोड व्यू सिल्वर आयन अवलिक सिल्वर का आया है 0.80 वोल्ट। तो यह दोनों मान जो है वो कहाँ से आए हैं, राशि के, यह आए हैं आपके सारणी से। ठीक है, अब आप ई सेल निकालें तो मानक इलेक्ट्रोड व्यू ई सेल निकालें तो ई कैथोड माइनस ई एनोड, तो ई कैथोड का मान रखें 0.80 और माइनस ई एनोड, ई एनोड का मान रखें, ठीक है, -2.365। माइनस माइनस प्लस हो गया, अभी दोनों ऐड हो गए, तो ई सेल कितना निकल गया, 3.165 वोल्ट। ठीक है, तो इस तरह से गैल्वेनिक सेल का विद्युत वाहक बल की गणना करने में श्रेणी का यूज करते हैं। जैसे श्रेणी के आधार पर आपको वैल्यू मिला था और मानक इलेक्ट्रोड व्यू आपने इसको वैल्यू रख के निकाल लिया, तो इस सेल समीकरण का कितना आया, 3.165 वोल्ट आया। तो यह आपका दूसरा यूज है श्रेणी का। तीसरा यूज देखें, यह उपापचय, ठीक है, यह उपापचय अर्थात रिडॉक्स अभिक्रिया की संभावना की निर्धारण करने में सहायक है, कि अभिक्रिया होगी कि नहीं होगी इसका भी निर्धारण करने में विद्युत रासायनिक श्रेणी का उपयोग होता है। यह उपापचय अर्थात रिडॉक्स अभिक्रिया की संभावना की प्रवृत्ति निर्धारण करने में सहायक है। कैसे, देखें, रिडॉक्स अभिक्रिया के लिए मानक इलेक्ट्रोड व्यूह ई सेल की गणना करके उसके होने की संभावना को ज्ञात किया जा सकता है। तो अगर आप ई सेल की गणना करेंगे, मानक इलेक्ट्रोड व्यूह गणना करेंगे, तो उस आधार पर आप बता सकते हैं कि अभिक्रिया होगी कि नहीं होगी। इसके लिए रिडॉक्स अभिक्रिया को दो अर्ध अभिक्रियाओं में बांटा जाता है। इसके लिए क्या करते हैं, रिडॉक्स अभिक्रिया को दो अर्ध अभिक्रिया में बांट देंगे, आक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया एनोड का काम और अपचयन अर्ध अभिक्रिया कैथोड का काम करती है। तो आक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया किसका काम करेगी, एनोड का, और अपचयन अर्ध अभिक्रिया किसका काम करेगी, कैथोड का काम करती है। ठीक है, ई सेल का धनात्मक मान संकेत करता है कि रिडॉक्स अभिक्रिया संभव है। अगर ई सेल का धनात्मक मान आ गया तो इसका मतलब क्या है, रिडॉक्स अभिक्रिया संभव है। जैसा कि अभी अभी आपने ऊपर देखा, ई सेल का मान जो है धनात्मक आया था, अर्थात यह अभिक्रिया क्या है, संभव है। अगर ऋणात्मक आ जाएगा तो अभिक्रिया संभव नहीं है। देखें, एक समीकरण याद दिया गया है, कॉपर आयन, ठीक है, कॉपर आयन प्लस सिल्वर सॉलिड चेंज हो रहा है कॉपर सॉलिड प्लस सिल्वर आयन में। तो इसके लिए सारणी से वैल्यू देख लें, सिल्वर आयन अब्लिक सिल्वर का मानक इलेक्ट्रोड व्यूह का मान आता है 0.80 वोल्ट। ठीक है, मानक इलेक्ट्रोड व्यूह कॉपर आयन अब्लिक कॉपर का आएगा 0.34 वोल्ट। ठीक है, तो एनोड अभिक्रिया लिखें, कैथोड अभिक्रिया लिखें। एनोड अभिक्रिया सिल्वर सॉलिड चेंज हो रहा है सिल्वर आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर क्या हो रही है, कौन सी अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, दूसरा कैथोड अभिक्रिया देखो, यहाँ पे कॉपर आयन जो है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है और कॉपर सॉलिड में चेंज हो रहा है, यहाँ पे अपचयन अभिक्रिया हो रही है। इसके लिए ई सेल निकाल, मानक इलेक्ट्रोड भी हो ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई कैथोड माइनस ई एनोड। ठीक है, तो ई कैथोड मानक इलेक्ट्रोड भी हो कॉपर आयन अब्लिक कॉपर माइनस मानक इलेक्ट्रोड भी हो सिल्वर आयन अब्लिक सिल्वर। यह वैल्यू आपको पता है सारणी से, यहाँ वैल्यू रख दें, होगा 0.34 और -0.80। ठीक, अभी आप देख रहे हो कि इसमें से माइनस करेंगे तो आ जाएगा -0.46। यहाँ पर मानक इलेक्ट्रोड भी हो ई सेल का मान कितना आ रहा है, माइनस में आ रहा है, अर्थात यह रिडॉक्स अभिक्रिया संभव नहीं है। ठीक है, कॉपर और सिल्वर का अभिक्रिया होना संभव नहीं है, क्योंकि मानक इलेक्ट्रोड व्यूह का मान क्या आ रहा है, ऋणात्मक आ रहा है, इसीलिए यह अभिक्रिया संभव नहीं है। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि मानक इलेक्ट्रोड व्यूह ई सेल कितना आया, -0.46 वोल्ट आया। तो ई सेल का ऋणात्मक मान यह स्पष्ट करता है कि यह अभिक्रिया संभव नहीं है, तथा सिल्वर कॉपर आयन के विलयन से कॉपर को विस्थापित नहीं कर सकता है। सिल्वर जो है कॉपर आयन के विलयन से कॉपर को विस्थापित नहीं कर सकता है, बल्कि इसके वृत्त वाली अभिक्रिया संभव है।
ठीक है, इसका उल्टा क्या है संभव है, लेकिन यह सिल्वर जो है वो कॉपर आयन को विलयन से, सिल्वर कॉपर आयन के विलयन से कॉपर को विस्थापित नहीं कर सकता है, बल्कि इसका उल्टा संभव है। अगला देखें, चौथा, यह ज्ञात करने में सहायक होता है कि क्या कोई धातु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित करेगी। तो यह पता करना है कि कोई धातु जो है अम्ल में डालने पर हाइड्रोजन निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, यह भी हमें श्रेणी से ज्ञात हो जाएंगी। देखें ध्यान से, कोई धातु जो विद्युत श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर है तो वह क्या करेगी, वह अम्ल से हाइड्रोजन निकाल सकती है, क्योंकि यह धातु हाइड्रोजन से अधिक उत्तम अपचायक है। इसीलिए धातु में जैसे जिंक, मैग्नीशियम, कैल्शियम आदि हाइड्रोजन को HClH2SO4 से विस्थापित कर सकती हैं, परंतु जो श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे हैं जैसे कॉपर, सिल्वर आदि अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकती हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि जो श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर होंगे वो अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे, लेकिन जो श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे होंगे वो अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएंगे। अब देखें यहाँ पे नोट दिया गया है, नोट नंबर 1 थोड़ा देख लेते हैं। वैद्युत रासायनिक सेलों का व्यापक उपयोग, जो वैद्युत रासायनिक सेल आप पढ़ रहे हैं इसका व्यापक यूज कहाँ होता है, विलयनों का पीएच ज्ञात करने में, विलयन का पीएच ज्ञात करने में, विलयता गुणनफल में इसका यूज होता है, साम्यावस्था स्थिरांक में इसका यूज होता है, इसके अलावा जो है ऊष्मागतिकी, रासायनिक गुणों और विभवमिति अनुमापन में इसका यूज किया जाता है। तो विद्युत रासायनिक सेल का क्या क्या उपयोग है, तो आपने देखा विलयन का पीएच ज्ञात करने में, विलयता गुणनफल निर्धारण में, साम्यावस्था स्थिरांक ज्ञात करने में, अन्य ऊष्मागतिक गुणों के निर्धारण में और विभवमिति अनुमापन में भी होता है। ठीक है, अब आप देखो नोट, तो अभी तक आपने पढ़ा, ठीक है, क्या क्या पढ़ा, इलेक्ट्रोड विभव में शामिल सभी स्पीसीज की मोलर संता इकाई होती है। अभी तक आपको जो भी पढ़ाया गया वो इलेक्ट्रोड विभव में जो भी स्पीसीज आप यूज किए थे उसकी मोलर संता क्या माने थे, इकाई माने थे। टेम्परेचर कितना था, 298 केल्विन था। लेकिन यदि मोलर संता इकाई न हो, टेम्परेचर अलग हो, तब उस कैसे इलेक्ट्रोड विभव निकालेंगे। अगर मोलर संता जो है इकाई न हो, टेम्परेचर अलग हो, तब वहाँ पर इलेक्ट्रोड विभव हम कैसे निकालेंगे, कैसे हम इस सवालों को हल करेंगे। ठीक है, तो इस समस्या को समाधान करने के लिए वैज्ञानिक नश ने अपना एक नश समीकरण दिया। इस समस्या के समाधान के लिए नश ने इलेक्ट्रोड विभव तथा विद्युत अवघट्य के विलयन सांद्रण के मध्य में एक संबंध स्थापित किया। इलेक्ट्रोड विभव और विद्युत अवघट्य विलयन के सांद्रण के बीच में एक संबंध स्थापित किया, जिसे क्या कहते हैं, नश समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो जब विलयन की सांद्रता एक इकाई न हो तो उस समस्या को हल कैसे करते हैं, नश समीकरण से हल करते हैं। नश समीकरण भी किसके बीच संबंध बताता है, इलेक्ट्रोड विभव तथा विद्युत अवघट्य विलयन के सांद्रण के बीच में, इलेक्ट्रोड विभव तथा विद्युत अवघट्य विलयन के सांद्रण के बीच में एक संबंध स्थापित करता है। इस संबंध को क्या कहते हैं, नश समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो अगले वीडियो में आपको नश समीकरण के बारे में समझाया जाएगा। धन्यवाद, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।